कीमा भरे करेले तैयार है। आप भी जरूर रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कीमा भरे करेलों के साथ तंदूर की रोटी हो चुपड़ी हुई मैंने घर की बना ली हुई है। ये चाटी की लस्सी है, साथ में चाटी की लस्सी और करेले भरे हों कीमे के, और बहुत मज़ा आता है। गर्मियों का ये ख़ास तोहफा है। आप भी ज़रूर अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा भरे करेले, और इसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए और 1 पाव चिकन का कीमा है, 1 टमाटर की पेस्ट है और सब्ज़ प्याज मैंने काट लिया है छोटा छोटा। करेलों को लेकर छील कर इसको नमक लगा कर धोकर और मैंने खुश्क कर लिए। सारे बीज वगैरह इसमें से निकाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह के सारे कर लिए। इसके अंदर कीमा भरना है, तो आए कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया। अब इसमें प्याज डालूंगी, और इसको फ्राई करूंगी। प्याज स्टार्ट फ्राई हो चुके, अब इसमें 1 चम्मच नमक डालना, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टमाटर की पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें कीमा डालकर भून, अब इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डाल दे या चॉप की हुई डाल दे, और अच्छी तरह मिक्स करके पका लें। चिकन को अच्छी तरह भून लेना। अब ये चिकन पानी छोड़ रहा है, इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक भूनते रहना है ताकि अच्छी तरह गल जाए। कीमा अच्छी तरह भून चुका है, अब इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं करेले में भरने के लिए। कीमा ठंडा हो चुका है, अब इसे करेलों में भरना है। ये देखिए इस तरह फोल्ड के, ज़्यादा ओवर नहीं करना ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना बाहर। जो जायद है उसको निकाल देना है इस तरह करके, अच्छी तरह इसका मुंह बंद करके, और जो नलकी पर नलकी धागे से लपेट लेना है।
अच्छी तरह इसको पैक कर लेना ताकि सारा जो मसाला कीमे वाला भरा है करेले के अंदर ही रहे। ये देखिए इस तरह कर लेना है। सारे करेले इसी तरह बना लेने भर के कीमे के और बाद में फ्राई करने। ये देखिए इसी तरह सारे तैयार करते हैं। मैं आपको सारे तैयार करके फिर दिखाती हूँ। करेले सारे कीमे से भर गए हैं, भर के इसको पैक कर लिए हुए। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ और ये कीमा बच गया, ये जब करेले फ्राई करेंगे तो उसमें ये डालूँगी। एक पैन में ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह। इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। और सारे करेले इसके अंदर रख देने। उनको फ्राई हो रहे हैं करेले, अब इसकी साइड चेंज करती जाएं। फिर साइड चेंज कर देनी इसकी। सारे करेलों के साइड चेंज कर दी हुई है, इसी तरह फ्राई करते रहना। करेले फ्राई हो चुके हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लें। बिस्मिल्लाह। करेले फ्राई हो चुके हैं सारे, अब मैं उसी ऑयल में डालूंगी प्याज जिसमें करेले फ्राई किए हैं। दो प्याज मैंने काट लिए बारीक बारीक और इसको इसमें डालूंगी। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, अभी थोड़े से हार्ड है, थोड़ा सा और इनको फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुके, अब दो टमाटर लिए मैंने वो काट लिए, ये इसमें डाल देना, उसको भी साथ फ्राई करना।
टमाटरों को हिला के थोड़ा कवर कर दे ताकि टमाटर नरम हो जाए। टमाटर भी नरम हो गए हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स कर ले। अब इस प्याज में जो कीमा बचा था करेला भरने से वो डाल देना। मिक्स करना। कीमा मिक्स हो चुका है। अब जो करेले फ्राई किए हैं वो इसमें डाल के मिक्स करके और दम दे देना। सब्ज़ मिर्ची मैंने चार काटी वो भी डाल देनी ऊपर और इनको मिक्स कर देना। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसको 10 मिनट के लिए करेलों को दम दे देना। करेलों को मिक्स कर दिया हुआ कीमे में। अब हल्की आंच पर इसको करेलों को 10 मिनट के लिए दम देना। कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच कर दे और 10 मिनट बाद देखती हूँ उसको। करेलों को दम आ चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं और धनिया गार्निश करूंगी इसके ऊपर। अब डिश आउट करती हूँ। कीमा भरे करेले तैयार हैं। आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कीमा भरे करेलों के साथ तंदूर की रोटी हो चुपड़ी हुई मैंने घर की बना ली हुई है। ये चाटी की लस्सी है, साथ में चाटी की लस्सी और करेले भरे हों कीमे के और बहुत मज़ा आता है। गर्मियों का ये ख़ास तोहफा है। आप भी ज़रूर अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें।